हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे हम लोग, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कर रहे थे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स किया था हमने इस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ और हैं इन्हें किया जाए। द क्वेश्चन इज द हीट ऑफ कंबसन ऑफ C2H4, C2H6 एंड H2R। हीट ऑफ कंबसन दिया हुआ है सबसे पहले C2H4 के लिए और वह है -1409.5 किलो जूल में। फिर दिया हुआ है C2H6 के लिए -1558.3 और फिर दिया हुआ है H2 के लिए -285.6। निकालना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, इथाइलिन मतलब ये C2H4 कितना होगा यही निकालना है। नया तो कुछ दिख नहीं रहा है हमें इसमें। सबसे पहले तो कंबसन वाले बात की हम लोग ये कर लें। कंबसन का मतलब बार बार कह रहे हैं क्या, ऑक्सीजन से रिएक्शन, और यदि हाइड्रोकार्बन है तो प्रोडक्ट के रूप में CO2 और H2O बनने वाले हैं। तो C2H4 ऑक्सीजन से रिएक्शन, द प्रोडक्ट इज CO2 एंड H2O। कार्बन 2 है, यहाँ 2 लगाओगे, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी 2 लगाओगे। अब ऑक्सीजन 2 × 4 और 2 × 6, यहाँ 2 ही है तो 3 लगाओगे। ठीक है, इसके लिए हीट दिया हुआ है इंथैल्पी -1409.5, इसे मान लो नंबर 1। अगेन C2H6, इसका भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे, CO2 प्लस H2O बनने वाले हैं। कार्बन यहाँ भी 2 है, 2 मोल लोगे, और हाइड्रोजन इधर 2 इधर 6 है तो 3 लगाना होगा। ऑक्सीजन बैलेंस करो, 2 × 4 और 3 × 7, तो 7/2। इसके लिए इंथैल्पी क्या दिया हुआ है, -1558.3, नंबर 2 कर दो। नंबर 3 में तो हाइड्रोजन है, H2 प्लस ½O2 से बन जाएगा H2O। इसके लिए एन्थैल्पी दिया हुआ है -285.6, ऐसा। अब निकालना क्या था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन। तो इथाइलिन का जब हाइड्रोजनेशन करोगे तो C2H4 प्लस H2 मिल करके बनने वाले हैं C2H6। तो ये इक्वेशन हमें लाना है, आसान सा चीज़ है। C2H4 और H2 जिसमें जोड़ो, C2H4 H2 जिसमें जोड़ेंगे, और ये वाला चीज़ जिसमें है उसको माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ या जो इथेन है वो प्रोडक्ट साइड है, इसमें रिएक्टेंट साइड है, उधर जाने के लिए इसको माइनस में होना होगा। तो ऐसे करें हम लोग, हाइड्रोजन वगैरह तो बैलेंस ही है, कुछ नहीं करना है, तो डायरेक्ट 1 + 3 - 2, 1 और 3 को ऐड कर दो, 2 को उसमें माइनस कर दो, तो ये ऐसे हो जाएगा C2H4 प्लस 3O2 फिर प्लस H2 प्लस ½O2, इसे माइनस करना था तो -C2H6 - 7/2O2। प्रोडक्ट साइड क्या क्या है, 2 CO2 प्लस 2 H2O, अगेन प्लस H2O, -2 CO2 - 3 H2O।
तो प्रोडक्ट साइड वाले तो वैसे ही कट जाने हैं सब, टू सी ओ टू यहाँ प्लस में या माइनस में ख़त्म हो जाएगा, टू आर वन थ्री एच टू ओ माइनस थ्री एच टू ओ सब भी ख़त्म हो जाएगा। बचे क्या, सी टू एच फोर, और देखो ये थ्री ओ टू है और ये वन बाई टू है, ये दोनों को ऐड करोगे तो सेवन बाई टू आएगा, फिर प्लस एच टू, फिर है माइनस सी टू एच सिक्स माइनस सेवन बाई टू ओ टू, इधर बच रहा है जीरो, तो ये प्लस सेवन बाई टू माइनस सेवन बाई टू ख़त्म हो जाना है, तो अब हो गया सी टू एच फोर प्लस एच टू, और ये माइनस सी टू एच सिक्स को उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें चाहिए थे। कैसे आया वो, बस इक्वेशन के आधार पे वन और थ्री को ऐड करा हमने, टू को सब्ट्रैक्ट, तो वन और टू को वन और थ्री को ऐड करो, डाटा देखो तो माइनस वन फोर जीरो नाइन पॉइंट फाइव प्लस माइनस टू एटी फाइव पॉइंट सिक्स माइनस माइनस वन फाइव फाइव एट पॉइंट थ्री, तो ये माइनस वन फोर जीरो नाइन पॉइंट फाइव प्लस माइनस माइनस टू एटी फाइव पॉइंट सिक्स माइनस माइनस प्लस फिफ्टीन फिफ्टी एट पॉइंट थ्री, जोड़ दो इन दोनों को तो सिक्स फाइव इलेवन का वन, वन बचा फाइव और नाइन फोर्टीन, एक फिफ्टीन को फाइव, वन बचा एट और जीरो एट नाइन हो जाएगा, टू और फोर सिक्स और ये वन प्लस वन फाइव फाइव एट पॉइंट थ्री, अब इसको माइनस कर दो तो इलेवन में थ्री एट, यहाँ फोर बचा ना, फोर्टीन में एट, फोर्टीन में एट सिक्स, यहाँ एट बचा, एट में फाइव थ्री, सिक्स में फाइव वन, बाकी तो जीरो ही हो जाएगा, तो माइनस वन थर्टी सिक्स पॉइंट एट किलो जूल। दिस इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलीन, ऐसे करना था, अपने से बनाओगे एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ें, इसमें हम लोग तीन ही तो दमदार न्यूमेरिकल इसमें है, एक जो शुरू में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना सीखे हम लोग, फिर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना सीखे, और अब इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में हम लोग जान रहे हैं। बीच में हमने बॉर्न हैबर साइकिल को भी किया न्यूमेरिकल सहित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, फ्रॉम द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन गिवेन बिलो एंड द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन, फाइंड द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज व्हेन एसिटाइलिन इज हाइड्रोजनेटेड टू इथेन। देखो थोड़ा सा इसमें काम बढ़ जाएगा हम लोग का, इंथैल्पी ऑफ कंबसन दिया हुआ है किसके लिए, इथेन के लिए, ठीक है, माइनस वन फाइव सिक्स जीरो किलो जूल पर मोल, यही इंथैल्पी हाइड्रोजन के लिए भी दिया हुआ है, माइनस टू एटी सिक्स किलो जूल पर मोल, और कार्बन के लिए भी दिया हुआ है, कार्बन के लिए भी दिया हुआ है माइनस थ्री नाइन्टी फोर किलो जूल पर मोल। इसके अलावा एक चीज़ और दे करके रखा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एसिटाइलिन का सी टू एच टू का प्लस टू टू सेवन किलो जूल पर मोल। निकालना इससे हमें क्या है, निकालना क्या है इससे, फाइंड द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज व्हेन एसिटाइलिन हाइड्रोजनेटेड टू इथेन, ऐसा निकालना है, हाइड्रो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिटाइलिन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिटाइलिन टू इथेन,
मतलब इस रिएक्शन के लिए एसिटाइलिन का फॉर्मूला C2H2 है, इसे बदलना है इथेन में C2H6, तो 2H2 ऐड होगा, 4 हाइड्रोजन तो हो जाएगा ऐसे। इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है हमें। अब इसके लिए क्या क्या तुम्हें करना होगा जरा इस चीज़ को समझो ध्यान से। तो सबसे पहले इसमें जो है ना, हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना होगा इथेन के लिए, तब आगे होगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना होगा किसके लिए? इथेन के लिए। जैसे एसिटाइलिन का दिया हुआ है ना हीट ऑफ फॉर्मेशन, वैसे इसके लिए निकालना होगा। कैसे निकलेगा? तो कम्बसन वाला बात पहले लिख लो, जो जो गिवन है। तो सबसे पहले C2H6, अब बहुत लिखे हुए हैं, डायरेक्ट इसको करते हैं हम। तो 7/2O2 से 2CO2 प्लस 3H2O, ठीक है, इसे 1 मान लो। हीट इसके लिए दिया हुआ है कितना? -1560। उसके बाद H2 प्लस 1/2O2 से H2O, इसके लिए दिया हुआ है -286, इसको 2 मान लो। और लास्ट में C+O2 CO2, इसके लिए दिया हुआ -394, इसको 3 मान लो, ठीक है। अब देखो, हमको सबसे पहले इस चीज़ का निकालना है एंथैल्पी, C+2C+3H2, तो C2H6। इस रिएक्शन पर हमें काम करना है, सबसे पहले इस रिएक्शन पे काम करना है। इसके लिए हमें निकालना है एंथैल्पी क्या होगा। तो इस इक्वेशन को जरा देख के बताओ ये कैसे आएगा। कार्बन हाइड्रोजन वाले जुड़ेंगे, इसको माइनस करोगे तुम। अब कार्बन 2 मोल चाहिए, हाइड्रोजन 3 मोल चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, प्लस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, और इसमें माइनस करना होगा इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2C+2O2, फिर इसको 3 से 3H2 प्लस 3/2O2, और माइनस करना है इसे C2H6 माइनस 7/2O2। तो प्रोडक्ट साइड क्या क्या बचेगा, इधर से 2CO2 प्लस 3H2O माइनस 2CO2 माइनस 3H2O, तो 2CO2 ख़त्म, इस भी ख़त्म लगभग हो ही जाएगा, ये 2O2 और यहाँ 3/2 है, तो कितना हो जाना है, इसको ऐड करोगे तो ये 7/2 ही आ जाएगा, यहाँ -7/2 है, तो ये भी ख़त्म ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट हो गया 2 कार्बन + 3H2, और ये माइनस उधर जा करके प्लस हो जाना है C2H6। तो यहाँ से जब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालोगे आप C2H6 के लिए, तो इसके अनुसार चलो अब क्या क्या किए थे, 3 को 2 से, तो ये जाएगा 2 - 3 = 4 प्लस 2 को 3 से, तो 3 - 286, फिर माइनस 1 किया था हमने, तो -1560, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, तो 2 4 = 8, 2 9 = 18 = 1, 2 3 = 6 = 7, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस, 3 6 = 18 = 8, 3 8 = 24 और 1 25, और 3 2 = 6 और 8 हो जाएगा यहाँ -8 5 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1560। इसको सॉल्व कर लो, तो 8 8 16, फिर 8 और 5 13 और 1 14, 8 और 7 15 और 1 16, तो -1646 प्लस 1560, तो ये जो आएगा 6, 14 में 6 जाएगा 8, यहाँ 5 में
चलो ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा -86 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करा हमने इथेन का, कितना -86 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतना करने के बाद अब निकलने वाला है यहाँ से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि डाटा में जो है ना इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे करके रखा था, इसीलिए जो है हमें इसका भी निकालना पड़ा। इसमें इसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा, यदि इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं दिया रहता तो इतना करने का जरूरत नहीं पड़ता हमें। तो एक का जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो दूसरे का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन ही लाना होगा तुम्हें, तब जा करके जो है एक दूसरे में उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर ये हो जाने हैं। तो वहाँ तक तो कर लिए हम लोग, इधर तो ठीक ठाक है। तो अब इसमें आगे इस रिएक्शन के लिए अब जब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालोगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H2, अच्छा इसके लिए तो डायरेक्ट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट को माइनस कर देना है, इसका तो जीरो रहेगा, इसका तो जीरो रहेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, याद करो कैसे बनता था, और H2 का तो फॉर्मेशन जीरो रहेगा। अब C2H का निकाले हो -86 माइनस ये दिया हुआ है 227, तो इसको ऐड करोगे तो 7 और 6 13 का 3 1 बचा, 8 और 2 10 और 1 11 का 1 2 और 1 3 -313 किलो जूल। ठीक है, इसमें नया क्या हुआ इस बात को समझ पाए ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें क्यों निकालना पड़ा उसका, क्योंकि यहाँ एक का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही दिया हुआ था। अब यदि इसका इंथैल्पी फॉर्मेशन दिया हुआ है तो इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेगा तो निकल जाएगा। अब इसका तो जरूरत ही नहीं, जीरो लेते हैं हम लोग, तो इसका निकालना जरूरी था, और इसके लिए जो है हम लोग ऐसा किए सारा काम। तो ये भी हो गया, अब इसमें से नया टॉपिक बॉन्ड एनर्जी, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गया, इससे जो न्यूमेरिकल्स हो रहे थे सबको हमने किया। नेक्स्ट टॉपिक इसमें बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, सब यही है, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सिंबल इसका डेल्टा, यहाँ बॉन्ड, ऐसा स्टैंडर्ड लोगे तो इसे दिखाना होगा। बॉन्ड के बारे में जो हम लोग जान रहे हैं अभी तक कि बॉन्ड है क्या, तो एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो केमिकल स्पीसीज को आपस में जोड़ता है। अब ये भी पढ़े हम लोग कि बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होता है कोई दो स्पीसीज के बीच तो एनर्जी वहाँ रिलीज होता है, लेकिन जब बॉन्ड को तोड़ना पड़े तो एनर्जी वहाँ देना होता है। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है बॉन्ड, हालांकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में थोड़ा अंतर है, एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं है दोनों, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को देखोगे तो इसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं, नाम से पता चल रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने वाला एनर्जी, कि कोई कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है जनरली,
जो दो एटम के बीच बन रहा है, तो उस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ गिवेन बॉन्ड प्रेजेंट इन द गैसियस मॉलिक्यूल इज डिसोसिएटेड इनटू गैसियस फ्रैगमेंट्स और एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड इन थैल्पी। देखो, जैसे मान लें कि A2 है एक गैसियस मॉलिक्यूल। व्हाई गैसियस बताएंगे अभी, गैसियस मॉलिक्यूल। अब इस गैसियस मॉलिक्यूल में जो यहाँ बॉन्ड है बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड मान लिया जाए कि इसका एक मोल है, ठीक। तो इस बॉन्ड को तोड़ करके इसके एटम में सेपरेट करने में, इसको एटम का जो है अलग अलग करने में जो एनर्जी लगने वाला है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ एनर्जी लगने वाला है मान लो E, जो इस बॉन्ड को तोड़ेगा। तो तोड़ने के बाद A अलग ये दोनों गैसियस होंगे, क्योंकि यहाँ भी यह गैसियस ही था। तो वही डिफिनेशन में लिखा हुआ है ना कि एंथैल्पी चेंज करेगा। तो एंथैल्पी चेंज करेगा मतलब वही कि एनर्जी जो यहाँ रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी जो देना होगा किस लिए, तो जब एक मोल बॉन्ड जो कि गैसियस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वह टूटे और टूट करके उसके गैसियस एटम में कन्वर्ट करे, फ्रैगमेंट्स का मतलब वही हुआ एटम, तो उसी को हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब बोलोगे सर गैसियस क्यों? तो ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो गैसियस फॉर्म में ही हैं, जैसे H2 है, N2 है, O2 है, F2 है, ऐसे। लेकिन बात करेंगे I2 की तो ये तो सॉलिड है, बात करेंगे Br2 की तो ये तो लिक्विड है, हैं? तो यहाँ डिफिनेशन में गैसियस क्यों लगाया गया? तो वजह साफ सा है कि यदि आयोडीन सॉलिड ही है तो जब तुम बॉन्ड तोड़ने के लिए इसे हीट दोगे, बॉन्ड तोड़ने के लिए जब हीट करोगे इस आयोडीन सॉलिड को, तो डायरेक्ट इसका बॉन्ड नहीं टूटेगा, डायरेक्ट जो है ना वो इसका बॉन्ड नहीं टूटेगा, बल्कि यह हीट क्या करेगा, इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेगा। मतलब पहले इसका फिजिकल स्टेट चेंज होना है, 100% होगा, फिजिकल स्टेट ही पहले चेंज होगा। और जब तक यह सॉलिड आयोडीन गैसियस आयोडीन में नहीं बदलेगा तब तक इसका बॉन्ड नहीं टूटेगा। याद करो ना आयोनाइजेशन एनर्जी में जो हमने पढ़ा था, वहाँ भी यही डेफिनेशन था कि कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है उसे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे थे। मतलब वहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था डायरेक्ट किसी भी एटम से नहीं, बल्कि गैसियस एटम से निकल रहा था। क्योंकि नॉर्मली कोई भी एटम को तुम हीट करोगे, एटम मतलब जब वो एलिमेंट के फॉर्म में होगा, तो बहुत सारा बात था उसमें कि पहले तो हीट करोगे तो एलिमेंट से एटम अलग होगा आइसोलेट, फिर वह सॉलिड से गैस में जाएगा और तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ से। सेम चीज़ यहाँ है कि यदि वह सब्सटेंस पहले से सॉलिड या लिक्विड और तुम हीट करोगे तो हीट करने से डायरेक्टली उसका बॉन्ड नहीं टूटने वाला है, बल्कि हीट करने से तो पहले उसका फिजिकल स्टेट चेंज करेगा, और फिजिकल स्टेट चेंज करके जब वो फाइनली गैसियस स्टेट में जाएगा, क्योंकि गैसियस स्टेट के बाद तो आगे फिर होनी है नहीं, तो गैसियस स्टेट में जब वो जाएगा तो वहाँ से फिर क्या होगा कि बॉन्ड टूटेगा। इसलिए हम लोग डेफिनेशन में यहाँ गैसियस लगाए हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल में सॉलिड भी रहेगा, तो सॉलिड रहेगा तो यहाँ हीट करोगे तो क्या बोलेगी, पहले एनर्जी जाएगा लिक्विड में बदलने में फिर जाएगा गैस में, मतलब कि सॉलिड डायरेक्ट भी गैस में बदल रहा है तो सब्लिमेशन।
तुम यदि तुम गैसियस नहीं लगाओगे और डिफिनेशन बनाओगे तो उस केस में सब्लिमेशन एनर्जी भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, जबकि मेन डिसोसिएशन एनर्जी तो इसके बाद का है कि आयोडीन बन गया गैस सॉलिड से ऐसे, और तब यहाँ आयोडीन आयन के बीच बॉन्ड है ये टूटेगा तब आगे जाएगा, समझ रहे ना। इसलिए गैसियस हम लोग लगाएंगे इसमें, जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन क्लोरीन का दिया हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, H2 गैस। तो H2 गैस का मतलब ऐसा है H के बीच बॉन्ड, तो यहाँ से टूट करके H गैस अलग, या डायरेक्ट इसी को तुम 2H गैस लिखो। अंतर है H2 और 2H में अंतर हुआ ना, H2 मॉलिक्यूल हुआ H के बीच बॉन्ड, और 2H मतलब ये एटम टूट करके यहाँ से अलग हो गया। तो यहाँ जो एनर्जी लगता है ΔH बॉन्ड, उसका वैल्यू है +436 किलो जूल पर मोल। उसी प्रकार से क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl, सब गैसियस होगा, तो Cl गैस +Cl गैस, यहाँ जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उसका वैल्यू +242 किलो जूल पर मोल है। वैसे ही और आगे बढ़ोगे तो नाइट्रोजन ले लो, NN के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इसे तोड़ोगे N गैस अलग, और यहाँ जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है तकरीबन 946 किलो जूल पर मोल है। बहुत कुछ समझने वाले हैं अभी हम लोग इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से रिलेटेड, बहुत कुछ। एक तो डिफिनेशन हमें समझ में आ गया वहाँ कि है क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह रहे थे। अब यहाँ ये तीन डाटा दिया हुआ है, हाइड्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी इतना लग रहा है, ΔH का वैल्यू प्लस है इतना लगेगा, Cl2 के बॉन्ड को तोड़ने में इतना लग रहा है, नाइट्रोजन का इतना, तीनों एनर्जी देख रहे हो बहुत ज़्यादा अंतर है तीनों में, इसका लगभग दो गुना ही है, इसका लगभग दो गुना ही है। तो आखिर यह अलग अलग एनर्जी क्यों लगता है बॉन्ड को तोड़ने में, अलग अलग मॉलिक्यूल है, अलग अलग तरह का बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी अलग अलग लग रहा है, तो आखिर यह एनर्जी बताना क्या चाह रहा है हमें, तो इस बात का चर्चा जो है हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आज बस इतना तक ध्यान में रखोगे तो आगे फिर यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।